हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो आप सबकी रिक्वेस्टेड कर्ली हेयर कट वीडियो लेके आ गई। मेरे क्लाइंट का हेयर आप देख ही रहे हैं, काफ़ी कर्ली हेयर है लेकिन हल्के हेयर है, ऐसा थिकनेस वाइज हेयर कम है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे क्या करना है। खास करके ये कटिंग वीडियो बिगनर लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो सिंपली हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड करके हम सामने की तरफ लेके जाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि गीले होने पे हेयर जब इतना कर्ली लग रहा है तो ड्राई होने पे और ज़्यादा दिखेगा। तो सिंपली अगर आप चाहें तो स्ट्रेट कट करें या यू कट करें, लेकिन अगर स्टाइलिश कट चाहिए तो आप उसमें जो है थोड़ा सा फैदर एंड लेयर कट का मिक्स लुक दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटर पार्ट से हेयर को लेना है, बीचों बीच से हेयर को लेना है और दोनों तरफ के हेयर को एक साथ में मिक्स करते हुए सामने की तरफ डाउन करना है इसको। और जब भी आप कर्ली हेयर पे कट करते हो, ठीक है, तो लेंथ का आपको खास ध्यान रखना है। इसे आप चिन से नीचे रख के कट करेंगे ताकि जब वो ड्राई हो जाए तो वो चिन तक पहुंचे। अगर आप पहले ही चिन से कट कर दोगे तो फिर वो ड्राई होने के बाद में लिप्स तक चला जाएगा, मतलब कि हेयर शॉर्ट लगेगा सामने से। तो मैं देखिए चिन से काफ़ी नीचे ला के कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लेंथ ज़्यादा शॉर्ट नहीं करनी है इनकी। एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे उसके बाद में। और जो साइड वाले हेयर को हैं इस तरीके से देखिए गाइडलाइन के साथ में मिक्स करते हुए इसको भी हम इक्वल कट करेंगे। तो बस आपको ये समझना है कि मान लीजिए आपके पास में क्लाइंट आते हैं और बोलते कि नहीं हमें स्टेप्स कट वगैरह लेना है, तो कभी भी कर्ली हेयर पे ना एकदम हैवी स्टेप्स लुक मत दीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही अजीब लगेगा। ऑलरेडी ड्राई होने पे हेयर काफ़ी फूले फूले से दिखते हैं, तो ऐसे बालों पे जितना ज़्यादा हो सके आप ऐसा सिंपल टाइप के लेयर्स डालें जो लुक वाइज अच्छे भी लगें और लेंथ भी आप मेंटेन रख सकें, ठीक है। तो ये वाला हेयर कट आप देखिएगा लास्ट में इनके फेस पे बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अभी मैं फेदर कट का लुक दे रही हूँ सबसे फर्स्ट वाले सेक्शन को। तरीके से रीचेक करते हुए इक्वल कट कर देंगे। जब हेयर की क्वालिटी काफ़ी सिल्की होती है ना और अच्छे हेल्दी स्ट्रेट हेयर होते हैं तो उस पर आप कोई भी कट करें, जितना ज़्यादा आप उसमें बाउंसी स्टेप्स कट डालोगे, अनलिमिटेड लेयर्स वाला स्टेप्स लुक डालोगे, वो उतना ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। लेकिन जब कर्ली हेयर होते ना तो उसमें आप जो है इस तरीके का कटिंग करें, चाहे फेदर लेजर लेयर ऐसा कट करोगे ना तो वो देखने में सुंदर लगेगा और वो हेयर को एकदम ज़्यादा हैवी नहीं दिखाएगा। इसमें और एक्स्ट्रा हम कोई कट मिक्स नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से कोम करते हुए टू फिंगर के बीच में ग्रिप करेंगे और लेयर कट के लिए हमेशा इस तरीके से डाउन करके हमें ग्रिप करना होता है, बीच में रखना होता है हेयर को। फेदर कट में बिल्कुल सामने की तरफ हेयर को लाना होता है, लेयर कट में आप उसको आप देख सकते हैं ना बहुत ऊपर है ना बहुत नीचे है, मीडियम जो है हाइट पे रखते हुए इसको कट करना। अगर मैं इसमें लेज़र कट करती तो वो शोल्डर से टच करते हुए होता। कई सारे लोगों का ये सवाल रहता है ना कि फेदर लेज़र और लेयर में क्या डिफरेंस होता है, तो बस मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। और अगर आपको डिटेल में चीज़ें जाननी समझनी है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो बस इस तरीके से देखिए कट हो गया। इसके बाद हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे, तो पूरे हेयर को एक साथ ग्रिप करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप सबके मन का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि कर्ली हेयर पे कौन सा कट करके देना चाहिए। मिक्सिंग के टाइम पे एक साथ ग्रिप करते हुए इक्वल कट करेंगे, साथ ही जिगजैग करके इसको हम डन करेंगे। चलिए मैं आपको दूसरी तरफ का भी प्रोसेस दिखा देती हूँ। और लेयर कट में जैसे आप कर्ली हेयर पे खास करके कट करते हो तो उसको तिरछा कट करें। तिरछा कट करने से क्या रहेगा कि जो लेयर्स आप डाल रहे हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस नहीं आएगा, ठीक है। तो वो पूरे बालों पे स्टेप्स तो दिखेगा लेकिन एकदम जैसे घना घना एकदम हैवी लुक नहीं लगेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लेयर कट दे रही हूँ और तिरछा कट कर रही हूँ, उससे क्या रहेगा कि लेंथ भी मेंटेन रहेगी और जो स्टेप्स का लुक निकल के आएगा वो फुल लेंथ रहेगा लेकिन जो है एक स्पेस के साथ में रहेगा, है ना। अब जैसे हम किसी और बाल पे करते जैसे सिल्की स्ट्रेट होते तो उसमें हम स्टेप्स भी ऐड करते बैक साइड से, सामने से उसमें लेयर या फेदर भी ऐड करते हैं। मैं हमेशा वीडियो में बताती रहती हूँ, उससे क्या रहता है कि उसमें
एक्स्ट्रा वैल्यूम ऐड होता है, बट हमें कर्ली बालों पे एक्स्ट्रा वैल्यूम ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी वो ड्राई होने के बाद में वो बहुत घने घने से दिखते रहते हैं। तो हमें ऐसे बालों को अच्छा एक स्टाइलिश लुक देने के लिए और कटिंग का परफेक्ट लुक दिखाने के लिए इस टाइप का कटिंग ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद में लास्ट में हम करेंगे फ्रंट हेयर कट, तो इसको बस थोड़ा सा ट्रिम कर दूंगी और इसको मैं मीडियम रख रही हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट का भी डन। तो फ्रंट हेयर कट देखिए बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में हेयर को हम बैक साइड में लेके जाएंगे और इसमें हम वन लेंथ भी कट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिम कर दोगे तो और ज़्यादा अच्छा परफेक्ट शेप लगेगा। जो पतला सा दिख रहा है अभी ना, वो ट्रिम हो जाएगा तो एक अच्छा लुक आ जाएगा। सेंटर पार्ट से हेयर को लेना है, इसको हम बराबर कट करेंगे और साइड वाले हेयर को तिरछा। तो इसमें परफेक्ट मैं यू कट का ही लुक दे रही हूँ, वैसे तो इसमें ऑलरेडी डीप यू कट का लुक दिख रहा है, तो जो शेप आया है हमें उसी शेप में रख के कट करना है। देखिए सामने वाले हेयर को मैं शोल्डर के आगे ही रख के कट करूँ, पीछे में ला के कट नहीं करेंगे। इससे क्या रहेगा कि जो शेप हमने डाला वो शेप वैसे का वैसा रहेगा, बिल्कुल भी लुक गड़बड़ नहीं होगा। और देखिए अभी इनकी लेंथ कितनी है। फ्रंट लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे सारा प्रोसेस इस तरीके से मैं डन कर ली। तो मैंने जो है इनके बालों पे सिंपली जो है ऐसा सीधा सीधा, यहाँ तक कि मैंने इन कर्ल्स भी नहीं किया हुआ, स्ट्रेट टाइप से जो है ब्लो ड्राई की हूँ, बालों को बिल्कुल ऐसा सीधा कर दी हूँ। उसके बाद कॉम करके मैं आपको यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों लुक दिखा दे रही हूँ। तो इतना जो है वैल्यू अच्छा लगेगा बालों पे, जब ये विदाउट ब्लो ड्राई भी रहेगा तो भी इनके कटिंग का लुक परफेक्ट दिखेगा। तो आज के बाद जब भी आप कटिंग करें इस तरीके से करके दें, खास करके कर्ली हेयर पे। वैसे तो ये कट आप किसी भी टाइप के हेयर क्वालिटी पे कर सकते हो, अगर स्ट्रेट सिल्की हेयर पे करते हो तो उस पर तो और भी ज़्यादा अमेजिंग लगता है, लेकिन कर्ली हेयर के लिए तो खास कर ये ऐसा टाइप का कट ही अच्छा रहता है। और ये है बैक साइड से लुक। तो अभी तो इनके हेयर पे ब्लो ड्राई हो रखा है, तो इतना जो है स्टेप्स आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ब्लो ड्राई पे हेयर काफ़ी स्ट्रेट सा दिखने लगता है, लेकिन जब विदाउट ब्लो ड्राई रहेगा हेयर ऐसा पफी सा दिखेगा, तो इतना स्टेप्स इनके बालों पे बहुत शूट करेगा।